हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, ये मेरी वीडियो पार्ट टू है, तो इसका पहला हिस्सा मैंने कल डाल दिया था। वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो ये पार्ट टू है। तो आधी किचन मैंने साफ़ कर ली थी, आधी रह गई है, तो वो ही मैं जो पार्ट टू में है वो दिखा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी कोई न्यू आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। आपकी इतनी सी सहायता मिल जाएगी तो मेरा चैनल आगे जा सकता है। तो मैं जहाँ पर ये किचन का निचला हिस्सा है, तो मेरे ही हाथ इसमें आटे वाले लगते रहते हैं, तो आटा जो होता है वो जम जाता है इसमें, तो फिर ऐसे स्टील कूच के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि ये मेन दराज है जहाँ पर मैंने आटे की ड्रमी रखी है, तो इसी में ज़्यादा हाथ लगते हैं मेरे। तो जो स्टील कूच आती है जिसे हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, मैं फिर उसी के साथ ये साफ़ कर लेती हूँ। और जो प्लाई लगाई हुई है ना, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता उसे, स्टील कूच के साथ अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। तो नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, क्योंकि जब बर्तन मांजती हूँ तो साबुन के छिट्टे ऐसे लग जाते हैं, तो वो निचला हिस्सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये जो ऊपरले है ना, ये थोड़े साफ ही रहते हैं, ये नहीं इतने गंदे होते। तो ये तो तकरीबन साफ ही रहते हैं। जो गैस वाला पल्ला है ना, गैस वाली की तरफ जो दराज है, वो वहाँ पर तेल के छींटे वगैरह सब कुछ पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो बस वो ही एक साइड ही गंदी रहती है, बाकी तो जो ऊपर तो सारे साफ ही रहते हैं। तो ये जहाँ पर मैं ये साफ़ कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में पक्खा भी लगा हुआ है, मगर जब बादल आते हैं ना तो हवा भी नहीं चलती, तो इसी कारण बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बड़ी मुश्किल के साथ फिर मैंने ये काम पूरा किया था, क्योंकि मैं बीच में भी नहीं छोड़ सकती थी, तो एक बार शुरू कर दिया तो पूरा फिनिश करके ही दम लिया मैंने, क्योंकि घर का काम ऐसा ही होता है, बस जब एक बार शुरू हो जाओ तो फिर पूरा ही करके हटती हूँ मैं। तो थोड़ा बीच में आराम भी कर लेती हूँ तो उतना ही काम पीछे हो जाता है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आराम करके फिर जितना भी होता है सारा कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर फिर छोड़ दिया तो वहीं पर छूटा रह जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आराम करके ही करती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे लगे ही जाते हैं घर को साफ़ करते हुए। क्योंकि फिर जब भी कुछ भी जब काम मैं ऐसे सफाई का शुरू करती हूँ ना, फिर सारे कमरों को साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैंने किचन साफ़ कर दी और बस ख़त्म कर दिया काम। तो ये जो किचन की जाली है जहाँ पर गैस रखा हुआ है, तो ये बहुत गंदी होती है, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी है धुएँ की, तो इस जाली में ना फंस जाता है धुआँ। तो ये कपड़े धोने वाला ब्रश है, तो इससे ना बहुत बढ़िया साफ़ होता है। तो जहाँ पर दरवाजे में भी धूल जम गई थी, जैसे कि जब भी हम किचन में कुछ ना कुछ बनाते हैं तो उसका धुआं ना ऐसे जालियों में फंस जाता है, तो जाले जाले सा हो जाता है, तो सारे मैं ये कपड़े, आपको बीच में आवाज़ आ रही होगी टेल काटने की, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में काम चल रहा है, इसी वजह से मशीन चलती है। तो मैं कह रही थी कि ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इससे सारे साफ़ हो जाती जाली वगैरह। तो मैं तो स्टील कूच के साथ ही करती हूँ, क्योंकि स्टील कूच के साथ बहुत बढ़िया साफ़ होती है, मगर मेरी जो स्टील कूच थी ना बहुत छोटी थी, तो घस कर छोटी हो गई,
तो इसी वजह से फिर मुझे जेब ब्रश के साथ साफ़ करना पड़ा। इससे बहुत बढ़िया साफ़ हो गई थी दरवाजे की जाली भी। पहले मैं अंदर की तरफ साफ़ करूँगी फिर बाहर की तरफ, फिर जितनी भी धूल मिट्टी होती है साफ़ हो जाती है इससे। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहरली साइड, तो बाहरली साइड भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब भी जाली साफ़ करनी हो अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों तरफ ही करनी चाहिए, तभी ये सारे धूल जो होती है जाले से लगे होते तभी निकलते हैं। एक साइड से साफ़ करने से नहीं ये पूरी जाली साफ़ होती। तो आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे कि एक तरफ से कर ले फिर दूसरी तरफ से। काफ़ी साफ़ दरवाज़ा लग रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ से ना बहुत धूल थी, जितना भी बाहर हवा चलती है तो सारी धूल मिट्टी ऐसे आ जाती है, तो फिर जो हो जम जाती है धूल उसमें। मैं अंदर तो सभी कमरों में पोचे लगाई थी, तो बस ये ही बाहर की साइड बची हुई थी, तो ये भी जहाँ भी मैं पोचा लगा दूँगी बस ये ही बचा है, बाकी सारा अंदर फिनिश हो गया था। जितने भी मैंने साफ वगैरह किए थे, तो फिर जैसे दरवाज़ा किया था किचन की जाली की थी, फिर मैंने झाड़ू फेर कर अंदर सारे पोचा लगा दिया। मैंने इतना नहीं वीडियो बनाई कि पोचा लगाते भी वीडियो बना लूँ अंदर के, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे काम निबेड़ना था। आप लोगों को तो पता ही है, कभी इधर कैमरा सेट करना कभी उधर, तो फिर मैंने वो बिना कैमरे से ही सारा कुछ अंदर की तरफ सेट कर दिया था। तो बस ये बाहर की साइड ही बची है। तो जब मैं यहाँ पर पोचा लगा रही थी तो मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, वो भी निकालूंगी। तो आज मैं जो कपड़े धोए हैं वो मैं सामने बादल में ही डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर छत पर नहीं जाऊँगी, बादल हो रखा है ना, इसलिए फिर बारिश का पता नहीं चलता मुझे अंदर। जब मशीन चलती है तो बहुत मुश्किल हो रही है बात करने में, क्योंकि मशीन चल रही है बार बार। तो कपड़े मैं पहले तो छत पर ही डाल आती थी, मगर पता नहीं कब बारिश हो जाती है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि रोज़ रोज़ बादल आ जाता है। तो अभी मैं जहाँ पर कपड़े निकाल दूँगी मशीन से, तो ये एक बारी के है तो दूसरी बारी के भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो साथ में ही मशीन चला देती हूँ, दोनों काम एक साथ होते रहते हैं मेरे, तो फिर ऐसे जल्दी काम हो जाता है। तो जिस दिन भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं, हाँ जी गाइस, जिन्ना भी मेरा साफ सफाई का काम सीगा वो मेरा सारा ही हो चुका है। तो कोई ना कोई रोज़ ना रोज़ कोई काम निकल ही आता है, तो वीडियो भी बनानी जरूरी होती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि की काम दिखाते हैं, क्योंकि साडा हैगा ब्लॉग का चैनल, तो की काम कार करते हैं, तो ब्लॉग से दिखाना जरूरी है, तो रोज़ ब्लॉग भी बनाना जरूरी है। जो आप रोज़ ब्लॉग ना बनावे तो अपना चैनल हौली 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 डाउन हो जूगा, जिदा कि मेरा हो गया सी। तो हम मैं सारे धवाई लाई हुई कपड़िया की, अद्धे कपड़े धो हो गए, तो मैं कपड़े ना सारे उत्थे बादले से मैं पा दते। मैं उपर छत पर नहीं गई, क्योंकि बदल बहुत होया, पता नहीं कदों मीह आ जाए, फिर मैं अंदर पता भी नहीं लगना। तो हम टाइम पता कि हो गया 9:45 हो गया सवेर से। तो हम मैं खाऊंगी रोटी, क्योंकि मैं सारा काम नबेड़ के रोटी खाती हूँ, पर हजे भी रोटी नहीं खानी, क्योंकि एक बारी के कपड़े कट दिते हैं तो दूजे बारी के निकलते हैं, उन्होंने टप्पे पा के तो फिर ही रोटी खाऊंगी मैं। तो गाइस रिक्वेस्ट आ कि जेड़े भी मेरे चैनल पर न्यू आते मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेरा चैनल मोनोटाइज आ, तो कोई फायदा नहीं मोनोटाइज होने का, इन्नी मेहनत ना मैं इतने आई हाँ तो सारे साथ छड़ी जाते हैं, इन थानू सारे पता है कि मुश्किल के नाल आपां चैनल मोनोटाइज करते हैं, तो जो कोई रिस्पोंस ना मिलेगा तो की फायदा इन्नी मेहनत करने का। अगस्त का महीना है, तो ये मैं पूरे 2 साल हो चुके आ यूट्यूब पर, तो 2 साल मेरा चैनल ग्रो नहीं होया, इन्नी मेहनत मेहनत करने के बावजूद भी
तो जोड़ा वीडियो च लोग इन्ना गंद दिखाते तो यूट्यूब उन्होंने भी प्रमोट करता है। मेरी वीडियो तो बिल्कुल सिंपल होंगी आ, साफ सुथरी होंगी, कोई ये इदा का नहीं है। तो शायद जोड़े इदा साफ सुथरी वीडियो बनाते यूट्यूब उन्होंने प्रमोट नहीं करता, पर मैं यूट्यूब में भी रिक्वेस्ट करूँगी कि असी इन्नी मेहनत करते हैं, साड़ी मेहनत वाला भी ध्यान दो, साड़े चैनल में भी प्रमोट करो तो ग्रो करके हेल्प